आधी जगह पे पहुंच गए हैं। गाइस फुल रेडी है राइड के लिए। अब मैं जा रहा हूँ पंजाब से हिमाचल, तो यहाँ पंजाब में बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो मैंने सोचा चलो बड़े दिन के बाद फ्री हुआ हूँ काम से, तो आज मेरी फर्स्ट राइड है पंजाब से हिमाचल। तो आपको हिमाचल दिखाते हैं। हिमाचल में मैं जा रहा हूँ, यहाँ से 200 किलोमीटर आगे वहाँ पे है मंदिर, है एक बहुत बड़ा मंदिर है, वो सिद्ध मंदिर है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो मैं भी वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ दर्शन करेंगे, वो मंदिर भी दिखाएंगे आपको और वहाँ का माहौल भी दिखाएंगे, और चलो मेरा फेवरेट हिल स्टेशन और राइड विद गाइस। मेरा भाई जा रहा है छोटा साथ में, तो मिलते हैं जी जाके उठे। सत श्री अकाल। हेलो गाइस, अभी यहाँ से मेरी हिमाचल राइड चालू हो रही है। अभी थोड़ा सा निकल आया, थोड़ा थोड़ा दिन निकला है, बहुत ठंडी है भाई यहाँ पे। तो ये मेरे पीछे से पहली चढ़ाई है यहाँ से, यहाँ से हिमाचल शुरू होता है, यहाँ पंजाब ख़त्म होता है, यहाँ पे पंजाब ख़त्म होता है और यहाँ से हिमाचल चालू होता है। अभी मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ है, तो वो मेरे साथ यहाँ पे राइड कर रहा है फर्स्ट राइड, वो पीछे आता ला रहा है। हाँ भाई जस्से भाजी, क्या हाल है जैसे भाजी? तो सुबह सुबह भाई ठंडी बहुत है, कैसे पैक हुआ पड़ा है ये तो मुझे भी लग रही है। मैं तो हेलमेट डालूंगा अभी, तो अभी मिलते हैं गाइस ऊपर जाके फटाफट। जी गाइस, एक्चुअली पंजाब तो अभी ऊपर पहुंच गए, आधी जगह पे पहुंच गए हैं ऊंधे के ऊपर। ठंड बहुत ज़्यादा थी, रोटी पानी बना के ले आए हैं करो, तो आप सोचा जरा कि बह के हिल स्टेशन पे खावांगे। क्या मज़ा आ रहा यार ब्रेकफास्ट करने का, इतना मज़ा आ रहा ना ब्रेकफास्ट करने का, बता नहीं सकता। देसी स्टाइल में ओ जैसे यहाँ पे मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि सामने हिल है भाई। ब्रेकफास्ट हो गया है, अब जाएंगे आगे। भाई तैयारी है? पूरा रेडी है, बाकी बड़े हैं। हिमाचल आने का मेरा मेन मकसद यही होता है, इसीलिए हिमाचल मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज ऑफ ये वाला जो पेड़ है ना, ये सिर्फ यहीं पे देखने को मिलते हैं इस यहाँ हिमाचल में, ये वाले पेड़। अभी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं यार पता, पर मैंने इतना ज़रूर पता है कि यार ये वाले पेड़ सिर्फ इसी एरिए ही है, और तुम कुल्लू की तरफ को जाते हो, ये एक्चुअली मिडल ऑफ कुल्लू है, कुल्लू मनाली के बीच में आता है ये, तो यहाँ से कुल्लू मनाली 4-5 घंटे का है, मेरे हिसाब से 5 घंटे ही होएगा आई थिंक सो। यहाँ पे मैंने यहाँ तक राइड की, आज जो मज़ा आया है ना भाई क्या बताऊँ। ये एक मंदिर है, जोर सिद्ध मंदिर है, तो यहाँ आती है बहुत बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, बट अभी कोरोना की वजह से ना थोड़ा जाने नहीं देते, शूट करने नहीं देते, तो मैंने बाहर बाहर से किया शूट, तो मैंने सोचा चलो पहली राइड है, मैंने भी दर्शन करने आना था, तो राइड भी कर ली और साथ में मेरा छोटा भाई भी आया है,
तो ये आपको दिखाता हूँ नजारा, देखो पीछे जो पेड़ है ऐसा, रोड ऐसे ही है सारे, उस तरफ देखो तो ऐसा ही पूरे रोड ऐसे ही है। तो अभी मैं वीडियो में शूट करूंगा चलाते चलाते, तो पूरे रोड ऐसे ही है यहाँ से जहाँ तक मैं नीचे तक जाऊंगा। बोलूँ यार अब यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्ट्स भी है, होटल्स भी है, और चिल करने के लिए तो भाई एडवेंचर में ही घूमना पसंद करता है बंदा। क्लब वब तो अपनी जगह है, लेकिन एडवेंचर में जो घूमने का मजा है वो कहीं नहीं है। तो इसको मैं लेके आया, पहली बार ऐसे बाइक पे आया राइड करने के लिए, और जैकेट तो अभी राइडर कपड़े तो मेरे पास ही है, मज़े लेता हूँ पूरे पंजाबी जो भी लेने हैं। एक्चुअली मैं पंजाब तो ही सारी है राइड, मैं पंजाब तो ही शुरू कर दिए हैं बिकॉज अभी पंजाब शिफ्ट हो गया हूँ, पहला पूना में था। तो हिमाचल तो मुझे भी पसंद है और बहुत लोगों को हिमाचल पसंद है, कुल्लू लद्दाख ये सब अभी मैं आगे अगले नेक्स्ट ईयर में करने वाला हूँ, बिकॉज गवर्नमेंट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकाले जा रही है, नाइट कर्फ्यू ये वो, तो डे डे में ये करना है। यहाँ पे होटल्स वगैरह भी बंद है, यहाँ पे रहने को नहीं मिल रहा है, तो अभी आज शाम को फिर वापस ही निकल जाऊँगा। तो ये आपको दिखाता हूँ पीछे, मेरे देख ही लिया है आपको, मैं अभी जाते जाते सारा ट्रैवल करके दिखाता हूँ। तो चलूँ क्या मैं, निकलें, मिलते हैं आगे अच्छी जगह पे, हिल्स दिखाते हैं, बाय। अभी हो गया मेरा खाने का टाइम, हो गया अभी काफ़ी ट्रैवल कर लिया हमने वहाँ, अभी यहाँ से 61 किलोमीटर है आगे, अभी खाने पीने का तैयारी है, देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए। फ्रेश बनता है फ्रेश, जस्सा भाई देख रहे हैं भाई, हाँ जस्से ये भूख लगी है भाई, यहाँ से कुल्लू मनाली कितनी दूर है? 300-400 किलोमीटर है, तो मतलब 4-5 घंटे जा लग जाए, 4-5 चार। रेस्टोरेंट है रास्ते में, यहाँ बैठो, इन्होंने बना रखा है कुर्सी वर्सी भी लगा रखी है, टेबल भी लगा रखा है खाने पीने के लिए, नीचे भी जा सकते हैं, रास्ता है नीचे से कहीं से। तो यहाँ का माहौल देखो, तो दिखाता हूँ आपको, जैसे पाजी देखो इधर क्या कर रहे हैं भाई, जिससे पाजी कैसा आया, मजा आया घूम के? बहुत पाजी बहुत हैं, बहुत पाजी पंजाबी में बोल रहे चलेगा। हाँ जी हाँ जी, बहुत आया पाजी, मजा आया क्या? वैसे जैसा पहली राइड की है ना तूने अभी अपनी जिंदगी में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हैं, हाँ जी। तो घूमने का मजा आया क्या? बहुत आया पाजी, मैं तो अभी सोच लिया हर किसी को साथ में एक एक लेके जाना है। हाँ जी हाँ जी, तो आगे वाला जब लद्दाख जाएंगे तो अगर टाइम हुआ तो जस्सा पाजी भी जाएंगे, जस्सा हो गया पैक क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा है भाई यहाँ पे। चलो बुलेट राजा के पास चलते हैं। तो क्या मजेदार जगह है गाइस, अभी मिलेंगे हम मंकी लोगों को, बंदर लोगों को मिलेंगे वहाँ पे, कुछ खिलाते हैं उनको भाई, डर तो लगता है मुझे, लेकिन आज मैंने सोचा कि रुकूंगा खिलाऊंगा यार। तो यहाँ पे माहौल देखो कैसा है,
भाई इवनिंग हो गई है, पूरा सनसेट हो चुका है उस तरफ पहाड़ों के पीछे। तो अभी दिखाता हूँ आपको, इस तरफ दिखाना भाई, इससे भाई, और ये इस तरफ पूरा, और ये नीचे। तो भाई यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, एनसीसी वाले होते हैं ना, आर्मी वाले, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं भाई। ये रास्ते में ही आता है ये भी। बहुत बढ़िया माहौल है यार शाम को। अब चलते हैं आगे, आगे जाके दिखाता हूँ, चलो फटाफट। ओ पाला ओ झकला।